अगर आप व्यापार पे इनवॉइसेस पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं या क्यूआर कोड ऐड करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एक एस ट्यूटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले आपको अपना व्यापार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा, आपको इस पर सिंपल से क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये कैश एंड बैंक, आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ऐड बैंक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको बैंक नेम जो है आपको यहाँ पे देना होगा। तो जैसे कि मैंने अपना बैंक नेम यहाँ पे दे देता हूँ। बैंक अकाउंट नेम यहाँ पे देने के बाद आपको अगर बैंक अकाउंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने इनवॉइसेस पे बैंक डिटेल्स अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लीजिए, अगर क्यूआर कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लीजिए। तो हम अभी दोनों ही इनेबल करके आपको दिखा देना चाहते हैं कि इनवॉइसेस पे हमारा बैंक डिटेल से कैसे शो होगा। तो ये दोनों इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि आपको अकाउंट होल्डर नेम, जैसे कि मैंने अपना अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिल कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, तो आपका जो अकाउंट नंबर है आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप आईएफएससी कोड यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या आप उसको मैनुअली सर्च करके ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये आईएफएससी कोड यहाँ पे शो होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो ये आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड के लिए जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को अगर आपको देना है तो आपको यूपीआई आईडी जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यूपीआई आईडी जो है हम कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ पे है वो ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पे अपना मल्टीपल बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं। अब हम बैक करते हैं, अब हम करेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जैसे लाला ग्रोसरी मार्ट को हमने सेल किया है। अब सेल करने के बाद यहाँ पे मैंने इनवॉइसेस पे अपना यहाँ पे जैसे कि इनवॉइसेस पे यहाँ पे देखिए कैश शो हो रहा है। अब इसमें बैंक अकाउंट ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इनवॉइस में बैंक अकाउंट कैसे शो होंगे। तो एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कैश पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको इसको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। अब इसको हम शेयर करेंगे, आपको इनवॉइसेस पे यहाँ पे शो हो जाएगा क्यूआर कोड के साथ आपका बैंक डिटेल्स। जैसे कि बैंक डिटेल्स में आपको बैंक नेम, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, फिर अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद उसके साथ में ही आपको यहाँ पे क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, यूपीआई स्कैन। आपको जैसे कि आपका जो भी कस्टमर है वो स्कैन करके पेमेंट कर सकता है या बैंक डिटेल्स यहाँ पे लेके बैंक के थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है। तो ऐसे करके अपने इनवॉइसेस पे बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।